ये जो कर्सर मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं कीबोर्ड पे कोई भी चीज़ टाइप करूँ तो देखो मुझे साउंड इफेक्ट के साथ, देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे से मुझे लेटर्स जो भी कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ वो चीज़ ऊपर से आते हुए नज़र दिख रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो जब भी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो जो कि बहुत ही अच्छा एनिमेशन के साथ दिख रहा है। जैसे अभी मैं ये देखो, अगर मैं सिर्फ फुल स्टॉप लिख रहा हूँ तो देखो कैसा दिख रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। लेटर्स जो है वो ऊपर से आ रहे हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो कि अभी मैंने कोड में अगर थोड़ा सा चेंज किया तो देखो एक ऊपर से आ रहा है और एक लेटर नीचे से आ रहा है, देखो फ्रेंड्स ये देखो। और ये देखो अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप टाइप करता हूँ, ये देखो फ्रेंड्स कैसा नज़ारा मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा ऑसम मुझे लग रहा है फ्रेंड्स। तो आपका ये काम है फ्रेंड्स कि आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको कौन सा, फर्स्ट वाला इफेक्ट या सेकेंड वाला, इनमें से कौन सा अच्छा लगा फ्रेंड्स। और कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं हूँ प्रियांशु ऑन ऑसम कोड। और कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए क्योंकि आप ये चीज़ अब सीखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आ गया हूँ सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे मैंने एक डॉट txt लिया, फिर उसमें एक स्पैन ले लिया हूँ, फिर बॉडी की मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ थोड़ी से। और फिर बॉडी में जो है मैं क्लास लगा देता हूँ फ्लेक्स, ताकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। और ये जो अपना टेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसकी मैं थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, इसे कुछ डार्क में बैकग्राउंड दे देता हूँ और बॉर्डर रेडियस 10 pixels, ये हो गया फ्रेंड्स। और फ़ॉन्ट साइज 3 mm, कलर अपना आप देख लो कलर क्या है, तो आप देख सकते हो मुझे मिला है यही चीज़ सिंपल सा। इसे मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज 5 mm ठीक रहेगा फ्रेंड्स। आप देखो कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली लगा रहा हूँ, तो गूगल का फ़ॉन्ट फैमिली लगाने के लिए मैंने ये जो कोड है फ्रेंड्स ये कॉपी कर लिया है, आप गूगल की वेबसाइट से जाके कॉपी कर सकते हो। और ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है फ्रेंड्स, फ़ॉन्ट फैमिली भी आपको गूगल की वेबसाइट पे मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो ठीक है। अब आप देखो कि मुझे एक अच्छा सा टेक्स्ट दिख चुका है। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो जो कर्सर बनाया था हमने, वो कर्सर अभी कर्सर के लिए कोड करेंगे। तो टेक्स्ट का बिफोर जो है उसमें उसको मैं कर्सर बनाना चाहता हूँ, तो विड्थ 1 pixel और हाइट रहेगा 70%। और फ्रेंड्स बैकग्राउंड 0099FF, ये है फ्रेंड्स बैकग्राउंड। और राइट से मैंने देखो पैडिंग 30 pixel दिया है, तो इसे भी 29 pixel दे देता हूँ। और एक्चुअली पैडिंग जो है वो 030 होना चाहिए फ्रेंड्स, हाँ ठीक है अब। और एक काम करना है हमें कि ये जो अपना टेक्स्ट है इसमें भी हमें क्लास को फ्लेक्स कर देना है, ताकि सब कुछ सेंटर में आ जाए। देखो फ्रेंड्स सब कुछ हो चुका है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो बीफर है फ्रेंड्स उसको ब्लिंक कराना है, तो उसके लिए हमें एनिमेशन लिखना होगा, तो बना लेते हैं उसे हम BL। और इसमें 0% 25% 0% से 25% तक ओपेसिटी रहेगी 0। उसके बाद क्या होगा कि फिर 26 से हम कर लेते हैं इसे 50, 26 से 50 तक ओपेसिटी रहेगा 1, फिर 51 से 75 तक ओपेसिटी रहेगी फिर से 0, फिर 75 से 100 तक। ये देखो फ्रेंड्स हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है कि स्क्रिप्ट लिखना है, ताकि हम जो भी बटन कीबोर्ड पे प्रेस करें वो चीज़ हमें वहाँ पे दिख जाए, वो लेटर ऐड हो जाए फ्रेंड्स। तो हमने कोई इनपुट फील्ड लिया नहीं है कि कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो वो दिखेगा, तो इसके लिए हमें मैन्युअली करना होगा। तो आप देखो डॉक्यूमेंट डॉट ऑन की प्रेस, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ lm, जिसमें मेरे लेटर्स नहीं वो स्पैन आएगा फ्रेंड्स, यही वाला स्पैन। तो इस स्पैन में मुझे क्या करना है ना कि ये जो अपना ई है फ्रेंड्स, ई इस ई को हमको इसमें डाल देना है, ई डॉट की, मतलब कि उसमें जो भी लेटर होगा ना फ्रेंड्स, जैसे जी मैंने प्रेस किया तो ई डॉट की में मुझे जी मिल जाएगा, तो वहाँ पे जी आ गया। अब क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट वेरिएबल मैंने बनाया था उसमें इसे ऐड कर देना है सिंपल सा। तो आप देखना अभी कि जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ तो आप देखो फ्रेंड्स वो चीज़ एकदम मस्त ऐड होते जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे काम करनी है, तो चलो जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो पहले से टी था उसे हटा दिया सबसे पहले, और उसके बाद तो हमें ये भी करना है कि
बैकस्पेस दबाएं तो वो डिलीट भी हो, तो उसके लिए भी हम करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं else if, अगर e डॉट की अगर वो बराबर है किसके, बैकस्पेस के, मतलब जो भी की मैं प्रेस करूँगा तो उसका नाम आ जाएगा। तो मैंने बैकस्पेस जब प्रेस किया तो उसका नाम आ गया बैकस्पेस। तो अगर वो बैकस्पेस के बराबर है तो txt डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, मतलब उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा ना उसी, मतलब लास्ट लेटर को ही हटाना है फ्रेंड्स, तो लास्ट एलिमेंट को मुझे हटा देना। देखो फ्रेंड्स अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है फ्रेंड्स, लेंथ का जो स्पेलिंग था वो गलत था और फ्रेंड्स अभी बैकस्पेस हमारा काम नहीं कर रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स दिक्कत ये ना कि ऑन की प्रेस नहीं, ऑन की डाउन हमें करना है, तब हमारा बैकस्पेस भी काम कर रहा है फ्रेंड्स। ये देखो बैकस्पेस हमारा परफेक्टली एकदम काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स हमें कि एक नम लेंगे, वो जो कलर अपना डालना था ना फ्रेंड्स, हर हर लेटर के लिए अलग अलग कलर रहेगा, तो उसे उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक आई वेरिएबल बनाते हैं, सी एस एस वेरिएबल, और उसमें अपना नम जो है वो पास कर देंगे, और नम का जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो हर बार बढ़ते रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो अपना डॉट टी एक्स टी का जो स्पैन है फ्रेंड्स, इसमें हम लगाएंगे फिल्टर, फिर ह्यू रोटेट और फिर 30 डिग्री इंटू वेर आई है फ्रेंड्स, ठीक है 30 डिग्री। तो अब देखो अभी भी कुछ मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं जो नम वेरिएबल है उसका वैल्यू मैंने बढ़ाया नहीं था। अब बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे घटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या प्रॉब्लम है हाँ फ्रेंड्स, दिक्कत यह ना कि यहाँ पे जो आई ये सीएसएस वेरिएबल अब नहीं बना था। अब देखो फ्रेंड्स हमें परफेक्टली वो चीज़ मिल चुका है, लेकिन अभी भी हमें काम करना है, मेन काम तो वही है कि अपने जो लेटर्स है फ्रेंड्स, लेटर्स ऊपर से नीचे आएंगे एक ट्रांजिशन के साथ में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड एनिमेशन लगाएंगे, और सबसे पहले काम कर लेते हैं कि जो स्पेस नहीं आ रहा है ना फ्रेंड्स, स्पेस के लिए भी मीन विड्थ लगा देते हैं और एनिमेशन लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो एनिमेशन यहाँ पे मैं एनिमेशन में फ्रेंड्स क्यूबिक ब्रेजियर यूज करूंगा, जिससे कि वो जो लेटर्स हैं फ्रेंड्स, तो देखो मैंने पेस्ट कर दिया है, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्यूबिक ब्रेजियर का। और यहाँ पे फॉरवर्ड लगाना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स, फॉरवर्ड जरूर लगाना, ठीक है। तो सीओ और यहाँ पे 0% में क्या होगा ना कि ऊपर में रहेगा, ओपासिटी कम रहेगा और स्केल भी कम रहेगा फ्रेंड्स। तो लिख लेते हैं उसके लिए, यहाँ पे ऊपर में क्या होगा ना कि 500 पिक्सल ऊपर रहेगा, और 100% पे हम क्या करेंगे कि स्केल इसका 1 कर देंगे और ट्रांसलेट 0 हो जाएगा, ओपेसिटी 1 रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है परफेक्ट। अब देखो फ्रेंड्स हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है एकदम परफेक्टली, मेरा सारा जो काम है फ्रेंड्स वो एकदम अच्छे से हो रहा है। एक बात और फ्रेंड्स कि हमने जो वो ला हमारा जो वीडियो था उसमें ना साउंड भी आ रहा था, वो साउंड को आप पाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये वाली वीडियो आप देख लो, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो वो चीज़ आप खुद ब खुद सीख जाओगे, और उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि साउंड को कैसे लाना है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वो जो फर्स्ट वाला अच्छा था या सेकंड वाला।